हम चंद्रमपल्ली डैम के वहाँ से तो निकल गए, तो फिर हम यहाँ पे रुके बिकॉज शायद खाने का इसके अलावा और आगे तक कुछ मिलेगा नहीं, तो अभी वही सोचे कि यहाँ से खाना ले कि फिर। तो अब हुआ ये कि हम वहाँ से बिना कुछ खाना वाना लिए निकल तो गए, अब हम इतनी दूर आ गए, अभी सबको इतनी भूख लगी है बट खाने का कुछ भी स्टॉप नहीं है। एक तो ये रोड भी पूरा गांव के बीच से जा रहा है, खेत है दोनों तरफ और कुछ नहीं मिला। सीनिक ब्यूटी तो बहुत अच्छी है बट पेट की ब्यूटी नहीं हो रही है बिल्कुल, जो भूख लग रही है और भूखे हाल में चलाना हो रहा है। भाई हमसे पूछो कैसे लग रहा है, एक तो बीच में बारिश धूप हो रही है, ऊपर से कुछ खाने को नहीं मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अभी लग रहा है कि अगर वहाँ पीछे से ही कुछ खाने का ले लेता ना तो अच्छा रहता। अभी भी हम लोग खड़े होकर सब लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें, कि आगे चाहे कि पीछे से कुछ ले के आए। पीछे जाना एक्चुअली फ़ायदे का नहीं, बिकॉज बहुत पीछे चला जाना पड़ेगा, तो यही अच्छा है कि अपन सामने चलते रहे और फिर अगर रास्ते में कुछ मिल गया तो ठीक है, वैसे भी हम एक ब्रेक और लेंगे बीच में। लोग ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, ऑल द एनफील्ड है देयर इन द फ्रंट और कुछ राइडर्स वहाँ पे जाके रुके हैं, तो वी आर चेकिंग द रूट कि आगे का रूट कैसा है, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे कि हम कितना स्पीड मेंटेन कर सकें। तो बीच में हमको बारिश मिला, फिर थोड़ा रूट अच्छा भी था, बारिश धूप मिक्स रहा है, तो सो फार एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, सो सी यू एट द डेस्टिनेशन। वहां से जो अच्छी रोड थोड़ी सी मिली उसके बाद जो हमको ये ऑफ रोडिंग वाले पैच मिले, भाई सही में हालत खराब, इतनी ऑफ रोडिंग हो गई हमारी। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है रोड के यहाँ एंड सी द व्यू बिहाइंड अस, और कुछ लोग यहाँ पे जंगलों में घुस रहे हैं एंड दे आर प्लानिंग फॉर ड्रोन शॉट, तो बाइक को रेडी कर रहे हैं कि कैसे हम लेंगे। तो लाइनअप अभी यहाँ पे ऐसे रेडी हो रही है फिर एक बढ़िया सा ड्रोन शॉट लेंगे और द व्यू बिहाइंड मी बहुत मस्त है। व्यू बहुत सही और ये है रोड जहाँ से भी हमको स्ट्रेट जाना है, दोनों साइड जंगल और वहाँ पे पहले से कुछ लोग पहुँच गए जिनको फोटो का शौक है, पहले से कूद गए और बाइक हमारी सब लग रही है यहाँ पे, बस फोटो वोटो खींचते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अभी सबकी हालत ख़राब है सुबह से, हवा बहुत अच्छी चल रही है, ब्यूटीफुल व्यू ऑफ स्काई, चलो बढ़िया है यहाँ पे। सो हेलो गाइस, अभी हम लोग चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रॉस करते हुए गौतम गुट्टा वाटरफॉल्स की तरफ आए, तो एक ज़्यादा झोपड़ी टाइप टेंट में है बिकॉज बाहर थोड़ी बारिश हो रही है तो अभी हम लोग थोड़ी देर अंदर रुके हैं, बारिश थोड़ी कम होगी तो थोड़ा सा ट्रैक है वाटरफॉल्स के लिए वो ट्रैक करेंगे। सो देखो ये हम मतलब खास नहीं है, थोड़ा सी टेंट है मतलब काम चलाओ टाइप है, बट हाँ अगर बारिश से बचने के लिए तो ठीक है। टेंट में हमने अपने बैग्स वगैरह सब रखे हैं और ऐसे हम टेंट से बाहर निकलते हैं। ओह ये व्यूज़, और सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, हमारी कुछ बाइक्स यहाँ पे लगी हैं और कुछ बाइक्स हमने वहाँ पे लगाई है, और ये टेंट में हमारा सब सामान है जिसमें अभी मैं बैठा था, वन टेंपल, और ये है इस फॉरेस्ट के बीच से एक्चुअली हम लोग आए हैं चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बीच से ऐसे रूट से हम आए हैं और यहाँ से आके अभी यहाँ से हम जाएंगे इस टेंपल। अभी
यहाँ से टूवर्ड्स द वाटरफॉल्स। नॉलेज सेशन बाय विष्णु भैया एंड सबके फेसेस देखो, राइड कर करके थक गए। एडवाइस सर और वेदर, सी द वेदर, इट्स वेरी कूल। तो अभी चल रहे हैं हम लोग टूवर्ड्स ट्रैक टूवर्ड्स गौतम गुट्टा वाटरफॉल्स। हमारी बाइक, आई नीड टू से बाय बाय टू द बाइक फॉर ए वाइल। और ये हमारे जो हैं क्या बोलते हैं, हमारे क्लब के वो मेंबर है जो सबसे ज़्यादा मस्ती खोर मेंबर है हमारे क्लब का। सबको गाइडलाइंस दी जा रही है ट्रैक के लिए, इसके लिए। 3, 2, 1, एक बहुत वंडरफुल व्यू है एंड सी द व्यू। वो पूरा ब्राइट है ना, तो उसके ऊपर फोकस करें तो डार्क हो जाता है ना, वैसा करेंगे बोल के बोल रहा हूँ। तो सी द ब्यूटीफुल व्यू, और अच्छा व्यू आपको दिखाता हूँ। ये ये है व्यू गौतम गुट्टा वाटरफॉल्स का, और यहाँ से सब ट्रैक करते हैं। अभी हमारे बाकी लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगा। तो हम यहाँ से ट्रैक करते हुए आए और ये है द वंडरफुल व्यू ऑफ गौतम गुट्टा। तो या दिस इज, तो यहाँ आ रहे हो तो ये जगह जरूर नीचे देखो, विजिट। तो ये व्यू एंजॉय करने के लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया है। जब से खाली था तू, वंडरफुल व्यू। और अभी हम यहाँ से और नीचे जा रहे हैं ट्रैक करते हुए। तो वहाँ से ट्रैक करते हुए हम आए एंड यहाँ पहुँच गए हम नियर टू द वाटर। ये है गुट्टम गुट्टा एरिया। इस इधर वाटरफॉल भी एक्चुअली हमें पता नहीं कहाँ पे है, बट अभी के लिए तो हम पानी से काम चला रहे हैं। सब यहाँ पे है और वो हमारा सस्ता ड्रोन शॉट चालू है, क्योंकि हम ड्रोन ऊपर भूल गए हैं बाइक पे, तो सस्ता ड्रोन शॉट से काम चला रहे हैं। और बस यही है, जंगल वंगल है। बस guys, done with the today's ride. Now going back to Hyderabad. हालत देख के देख सकते हो हम कितनी ट्रैक करके गए, हम पूरा वहाँ नीचे गए, आए 143, बैटरी डाउन, सब थक गए। तो अभी नथिंग मोर इन दिस राइड, जस्ट बैक टू हैदराबाद। अभी हम लोग सब डिनर के लिए रुके हैं, लाइक रियली वेरी टायर्ड, सबके शक्ल देखो। तो अभी हमने एक्चुअली लंच भी नहीं किया, लंच में पफ वगैरह ही खाए, पफ बिस्किट्स मिक्सर। और अभी यहाँ पे एक ढाबे पे रुके हैं फॉर डिनर, अभी डायरेक्टली टू हैदराबाद। बस बीच में ये डिनर, उसके बाद और कुछ नहीं है। तो ऑलरेडी देख सकते हो हालत इतनी ख़राब है, क्योंकि बारिश में भीग गए, ऊपर से थक गए इतना ट्रैक करके, और हमने लाइक लंच वगैरह भी नहीं किया। तो उसके बाद डायरेक्ट अभी खाने के लिए आए, तो इसके बाद आई डोंट थिंक मैं ज़्यादा व्लॉग वगैरह कुछ करूँगा। सो प्रोबेबली दिस इज़ द लाइक आई वुड से कि एंड ऑफ द व्लॉग पार्ट। सो इट्स मी बी आई के राइड वाला साइनिंग ऑफ, बाय बाय। Good night.